माही भाई, माही सर, भाई भाई, एक मिनट प्लीज प्लीज सर, सर सर सर, भाई माही भाई भाई, सर 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 प्लीज, हेलो सर, हेलो सर, प्लीज सर एक मिनट सर, प्लीज सर, सर ये कौन है? लगता है उनकी वाइफ है, वाइफ देखो गाइस, उनकी वाइफ अभी जा रही है। मेरे लिए पर्सनली भाई साहब अपना वो गाड़ी रोक दिए 10 से 15 सेकंड, भाई साहब मेरा तो दिमाग ही फ्यूज हो गया, मैं क्या करूं भाई साहब। तो गाइज आप लोग ये वीडियो देख रहे हो किस लिए? क्योंकि आपको भी माही भाई से फ्यूचर में जाकर मिलना है और उनके घर का एड्रेस आपको जानना है कि आप अगर जाओ तो आप किस तरीके से मिल सकते हो। तो नो डाउट वो तो मैं आपको बताने वाला हूँ आखिर मैं किस तरीके से मिला, लेकिन उससे पहले मैं माही भाई के बारे में थोड़ा सा बात बोलना चाहता हूँ। ये कि भाई साहब वो उतना पॉपुलर इंसान होकर और फिर भी अगर वो ना आम पब्लिक के लिए अगर भाई साहब 10 से 15 सेकंड के लिए रुक रहे तो वो बहुत बड़ी बात है भाई साहब। और मेरे लिए माही भाई 10 से 15 सेकंड के लिए अपना गाड़ी रोके भाई साहब और अंदर से हाय भी किए, और नो डाउट मैं उनको देखा, उनकी वाइफ को भी देखा, और बताता हूँ धीरे धीरे स्टोरी कैसे स्टार्ट हुआ। तो नो डाउट मैं आपको फुल एड्रेस बताऊंगा। तो सबसे पहले ये स्टोरी स्टार्ट होता है एक महीना पहले मैं रांची जाता हूँ अपने दीदी के घर। अब मैं किस लिए जाता हूँ? क्योंकि मेरा कुछ पर्सनल काम था और मैं वो काम फिनिश करके उसके बाद फ्री ही बैठा हुआ था। तो फिर मेरे दिमाग में आया भाई साहब चलो माही भाई से जाकर मिलते हैं, और फिर मेरे अंदर का कीड़ा जाग गया भाई साहब। उसके बाद मैं YouTube पे वीडियो खंगालना शुरू कर दिया कि माही भाई का घर का लोकेशन कहाँ है, कैसे क्या है, कैसे मिलूं, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था भाई, और रांची मैं करीब सेकंड टाइम गया था, उतना मुझे रांची के बारे में आइडिया नहीं था। तो फिर एक मैंने YouTube पे चैनल देखा जो कि हाल ही का वीडियो था, मैंने उसे देखा, एनालाइज किया पूरा अच्छे तरीके से, और फिर अगल बगल से जाकर पूछा कि भाई कैसे मैं मिलूं। तो देखो मैं आपको सिंपल वे में बताऊंगा जिस तरीके से मैं मिला भाई साहब, और मुझे करीब उनके घर के पास पहुंचने में 20 मिनट मात्र लगे। अब बताता हूँ ये आखिर सिलसिला स्टार्ट कैसे हुआ, कैसे मैं मिला। तो देखो उसको बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं ब्लॉग बनाता हूँ, फैमिली ब्लॉग बनाता हूँ, बहुत जगह घूमता हूँ, अच्छा अच्छा चीज़ एक्सप्लोर करता हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर चेकआउट जरूर करना। और बहुत सारे ब्लॉग हैं जो कि आपके घर के तरह देखोगे तो आप बोलोगे यार यार ये तो मेरे तरह ही रहता है बंदा, मेरे घर के जैसा है, तो प्लीज़ चेकआउट जाकर जरूर करना। तो गाइज शुरुआत कुछ ऐसे होता है, मैं निकलता हूँ अपने जीजा जी का स्कूटी लेकर निकल पड़ता हूँ भाई साहब, और एड्रेस मुझे मेरे दिमाग में था कि कैसे कैसे मुझे जाना है एकदम इजी तरीके से, क्योंकि आपको पूरा डिफिकल्ट तरीके से बताऊंगा कि ऐसे जाकर बाएं मुड़ना है दाएं मुड़ना है, उससे आपको मतलब नहीं है, आपको सिर्फ माही भाई के घर के पास पहुँचना है, कैसे पहुँचना है बस वो आपको चाहिए बस। तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, आप जब भी रांची आओगे तो आपको रातू रोड के बारे में पता होगा, तो सबसे पहले आपको कोई अगर बस भी उतारता है तो रातू रोड ही उतारेगा, अगर आप ट्रेन से आते हो तो आपको रातू रोड के पास आ जाना है, क्योंकि मैं रातू रोड से ही अपना सफ़र को स्टार्ट किया था। मैं रातू रोड से एकदम रिंग रोड जो कि हाईवे है, रिंग रोड उसका नाम है। आप किसी भी आम बंदे से पूछ लोगे, लोकल इंसान से, वो बता देगा कि हाँ रिंग रोड ऐसे ऐसे जाएगा, तो रिंग रोड आपको पहुँच जाना है भाई साहब। मैंने वही किया, मैं रिंग रोड पहुँचा, स्कूटी था मेरे पास, वहाँ पहुँचने के बाद उसके बाद फिर मैं वहाँ पर सोचा कि अब माही भाई का घर कहाँ है, तो आप सिंपली वहाँ गूगल मैप पे सर्च कर सकते हो भाई साहब महेंद्र सिंह धोनी फार्म हाउस, तो ऑटोमेटिक बता देगा एकदम एग्जैक्ट राइट लोकेशन बताया, क्योंकि मैं उसी तरीके से पहुँचा। और अगर आपको बीच में डाउट होगा कि नहीं ये गलत जा रहे हैं हम, तो भाई वहाँ पर नॉर्मल इंसान जो होता है, नॉर्मल बंदा, कोई भी बच्चा भी, बच्चा से भी पूछ लोगे ना कि भाई माही भाई का घर कहाँ है, महेंद्र सिंह धोनी सर का घर कहाँ है, तो वो बता देगा भाई साहब कि यहाँ पर घर है, और आपको सीधे रिंग रोड में जाना है, और आपके वो देखोगे आप वहाँ पर आपको ऑटोमेटिक एक रेड कलर का बहुत बड़ा गेट दिखेगा, जो कि मेरे ब्लॉग आप देखो आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। रेड कलर का गेट होगा जिसमें लिखा होगा वीरा पैलेस करके, वही माही भाई का फार्म हाउस है भाई साहब। और मैं करीब वहाँ 2 घंटा इंतजार किया भाई साहब, उसके बाद मैं उनकी वाइफ को देखा, माही भाई से भी मुलाकात हुआ, और फिर मैं उनका स्टेडियम भी गया जहाँ वो प्रैक्टिस करने जाते हैं। तो सारा चीज़ ब्लॉग में अपलोड है भाई साहब, तो जाकर चेकआउट जरूर करना। आपको फालतू चीज़ जानने से कोई मतलब नहीं है, बस आपको उनके घर के पास पहुँचना है, तो इस तरीके से आप पहुँच सकते हो, जो कि मैं पहुँचा भाई। मैं कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं लिया कि ऐसे जाना है वैसे जाना है,
मैं सिंपली जो मैं जैसे पहुंचा वैसे आप पहुंच सकते हो। इस तरीके से मैं माही भाई से जाकर मिला और माही भाई ने भाई साहब मेरे लिए पर्सनली, और कोई वहां पर बंदा नहीं था, आप ब्लॉग जाकर देखना, मेरे लिए पर्सनली भाई साहब अपना वो गाड़ी रोक दिए 10 से 15 सेकंड। भाई साहब मेरा तो दिमाग ही फ्यूज हो गया, मैं क्या करूं भाई साहब। तो गाइस फाइनली जाकर मुलाकात हो जाता है और अभी देख सकते हो मैं किस लोकेशन पे आया हूं भाई साहब। देख सकते हो कितना ज़्यादा ही मस्त लोकेशन है, मेरे घर के बगल का ही लोकेशन है और मैं इस तरीके से मिल लेता हूँ। और हाँ, मेरा नाम रोशन राज हुआ और रोशन सुनो मेरे YouTube चैनल का नाम है और मेरे मेरे चैनल पर करीब 300 वीडियो अपलोड है भाई साहब, 300 ब्लॉग के। तो जाकर आप चेकआउट जरूर करना और जस्ट आपको लगेगा कि भाई ये तो मेरे तरह रहता है, आपके घर का जो माहौल होता है वही मेरे घर का भी माहौल होता है और आप देखना काफ़ी ज़्यादा आपको फनी ब्लॉग लगेगा। तो आई होप आपका जो डाउट है वो सारा क्लियर हो चुका है, आपको किस तरीके से माही भाई से मिलना है। तो आई होप आप जाओ अच्छे से मिलो और अगर मिल लेना तो भाई कमेंट करके जरूर बताना कि ये आपको इन्फॉर्मेशन कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, चलो बाय बाय। तेरी आँखों का काजल ना फैले अब कभी भी, तुझे इतना प्यार दूँ।